some breaking inputs coming in. We're given to understand that compensation was announced by the Railway Ministry in this tragic train accident that took place this morning. A compensation of 10 lakh each will be given to the families of those who lost their lives in the accident, and the injured will be given a financial assistance amount of 5 lakh each. Abhishek is getting us more details on that. Abhishek, dukhad ghatna, do logon ki jaan chali gayi, kai log isme zakhmi ho gaye, aur abhi jankari mil rahi ki compensation announce hua hai, muawza diya jayega. देखिए बिल्कुल 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पिछले साल लगभग इसी महीने के आसपास बालासोर के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आखिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कब सो के जागेगा और इंसानी जानों की कीमत कब लगाना शुरू करेगा, क्योंकि लगातार जो डीरेलमेंट है, जो डीरेल है उसकी खबर आ रही है, कोलिजन की खबर आ रही है। तो आखिर क्या सिस्टम में फेलियर है या टेक्निकली जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो पीछे जा रहा है। वंदे भारत हमने लॉन्च किया लेकिन जो पूरा एक्शन है रेलवे की तरफ से वो प्रॉपर नहीं लिया जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो सुबह 3:40 पर जब हावड़ा से ये मुंबई की तरफ हावड़ा मुंबई रेल मेल गाड़ी जा रही थी उसी वक्त जो है ये यहाँ पर आकर डिरेल हो जाती है। लगभग 8 डिब्बे जो है इसके पटरी से उतरते हैं, सिर्फ 3 डिग्गे पटरी के ऊपर रहते हैं और बाकी सारे जो लोग हैं उनके अंदर अफरा तफरी मच जाती है। 2 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है और इनको अब जो कंपनसेशन की बात है वो इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है कि 10 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा।